और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और सुबह मैंने अपने इस खास प्रोग्राम में बात की थी छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की वोटिंग को लेकर, 72 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, जिसमें हमने अजीत जोगी और मायावती के गठबंधन को लेकर बात की थी, साथ ही बात की थी अखिलेश यादव को लेकर, साथ ही बात की थी क्या इस बार रमन सिंह चौथी बार सत्ता का सुख भोग पाएंगे। अब फिलहाल वोटिंग खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, समझिए खत्म हो गई है। और ऐसे में जो खबर सामने आई है कितने परसेंट वोटिंग हुई है वो पहले आप जान लीजिए। कहा जा रहा है कि 58.47 यानी कि 58.47% दूसरे फेज में वोटिंग हुई है 72 सीटों पर। और इसके अलावा रमन सिंह भी आज वोट देने पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि सरकार के खिलाफ सूबे में कोई माहौल नहीं है। अजीत जोगी ने भी आज ही वोट दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वोटिंग परसेंटेज मैंने जो नोट डाउन किया है बहुत ही निराशाजनक है 2013 की अपेक्षा में, क्योंकि 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में तो वहाँ पर सेकेंड फेज की वोटिंग थी 75.06, लेकिन इस बार वोटिंग जो है बहुत बुरी गिरी है। यानी कि एक वोटिंग गिरने का फायदा किसे मिलेगा, नुकसान किसे मिलेगा, ये बताएंगे मेरे सहयोगी काशिफ अली। काशिफ आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। काशिफ बताइए, ये जो वोटिंग का जो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है 5 साल के अंदर, क्या लगता है ये बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है या बीजेपी के खिलाफ में जाने वाला है? बिल्कुल गायत्री जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा है वोटिंग परसेंट। जो उम्मीद जताई जा रही थी कि पहले चुनाव के मुकाबले अब जो है ज्यादा वोटिंग होगी, लोग अपने घरों से वोट देने निकलेंगे, लेकिन शुरुआत में सुबह के देखने को थोड़ा सा मिला कि महिलाएं काफी निकल रही थी और लंबी कतारें नजर आ रही थी, लेकिन दोपहर जैसे जैसे होती गई, शाम होती गई और कहीं ना कहीं फिर वो गिनती कम होती गई, लाइन छोटी होती गई। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव के माहौल में आपके चुनाव में फर्क यह है कि जनता को थोड़ा सा इस चीज़ का गुस्सा है राजनेताओं को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी को, कोई एक पार्टी की नहीं, सभी लोगों से थोड़ी सी नाराजगी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि भाई राजनेता हो नेता हो, उनको अपने इलाके की या अपनी जगह की, अपने क्षेत्र की तभी याद आती है जब उनको वोट चाहिए होता है, वरना 5 साल तक कोई उनकी पूछता भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों ने जिस तरीके से देखा गया है कि नोटा का भी इस्तेमाल किया है, तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है बीजेपी को मुझे लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कम वोटिंग में, क्योंकि बीजेपी अगर ज्यादा वोटिंग परसेंट होता तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता। उसकी वजह यह है वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हुई है, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल है पूरा, और ऐसे में अगर कम वोटिंग परसेंट हुई है तो बीजेपी के खिलाफ ना होकर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फेवर में जाती नजर आएगी, या फिर जोगी उसका फायदा उठा लेंगे। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, अगर 2018 के पहले फेज की वोटिंग की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिला, 76% तक वोटिंग हुई थी, लेकिन पहले फेज में 18 सीटों पर वोटिंग हुई 76%, लेकिन सेकेंड फेज में 72 सीटों पर वोटिंग हुई और जो गिर के पहुंची 58.47, और 2013 के कंपैरिजन में पहले फेज में हुई थी 70%, 2013 का आंकड़ा बता रही हूं आपको, और सेकंड फेज में हुई थी 75.06, यानी कि 2013 में ज्यादा अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा था, और जिसकी बदौलत रमन सिंह तीसरी बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार पहले फेज में 18 सीटों पर तो वोटिंग बहुत जबरदस्त हुई, लेकिन दूसरे फेज में वोटिंग बिल्कुल ही धराशायी हो गई। क्या लगता है काशिफ की इसका सीधा सीधा जो असर है बीजेपी पर तो पड़ेगा, आपने बता दिया, लेकिन क्या पूरा फायदा अजीत जोगी मायावती उठाने वाले हैं? क्या वाकई मायावती का साथ देना अजीत जोगी के लिए कमाल कर गया है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि देखिए इस तरीके से अगर हम पूरा एक समीकरण बनाने की कोशिश करें, जो इस वक्त चुनाव का जो निकल के आया है जो वोटिंग परसेंटेज, उसमें ये जाहिर हो जाता है कि जितने भी लोग वोट देने निकले हैं वो बदलाव की तरफ वोट देने निकले, जितनी भी वोटिंग हुई है तो वो बदलाव के लिए गया होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान के जहन में अगर वोट देने जा रहा है तो वो सोचता है कि नहीं भाई ये सरकार मेरे लिए बहुत दिन हो गए, अब इस सरकार से अलग दूरी इसी वजह से बनाई जा सकती है कि आप दूसरी सरकार दूसरे लोगों को चुनें। तो जो लोग वोट देने गए हैं, ज्यादा लोग वोट देने जाते हैं, तो वो हो सकता है कि बीजेपी के फेवर में जा सकते हैं, लेकिन कम वोटिंग परसेंट का मामला मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए और ज्यादा खतरनाक हो चुका है, और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब मुझे वहां की तस्वीर दूसरी। काशिप, 2014 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर देखा गया है जो शहरी मतदाता हैं
वो बीजेपी की तरफ झुकाव करते हैं, जो ग्रामीण मतदाता हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, कांग्रेस या अन्य पार्टियों की तरफ झुकाव करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है कि शहरी मतदाता, यही जो आकलन मैंने बताया, यही चल रहा है या इस बार कुछ उलटफेर की संभावना है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए शहरी और ग्रामीण इलाकों का थोड़ा सा ये अंतर देखने को हमेशा से आया है 2014 के बाद से, कि थोड़ा बीजेपी की तरफ झुकाव, हमने गुजरात चुनावों में भी ये चीज देखी। और बाकी अगर जिस तरीके से पिछले चुनाव की बात करें तो वहां पे भी कई ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें ग्रामीण इलाकों के लोग कांग्रेस या बाकी अन्य पार्टियों की तरफ झुकाव थे, कि उसकी वजह ये है कि शहरी लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा ये सोचते हैं कि जो केंद्र सरकार में बैठी सत्ता है वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि अगर राज्य सरकार में बीजेपी होगी या रूलिंग पार्टी होगी जो केंद्र में भी है तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है राज्य के लिए, पैसा आसानी से आ जाता है, इस चीज़ को शहरी लोग समझते हैं। ग्रामीण लोग जो होते हैं जो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर वोट देते हैं कि भाई उनके जो मान लीजिए अगर किसान है तो वो फसल के दाम किस कौन सी पार्टी बढ़ा रही है, किसको दाम सही दे रही है, कौन बिजली दे रही है, कौन रोड बनवा रही है, तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं ग्रामीण लोग इसी पर फोकस करके अपनी सरकार को चुनते हैं। और यही वजह है कि शहरी और ग्रामीण जो अंतर होता है, में अंतर हो जाता है, बिल्कुल अंतर हो जाता जी है। काशिप, इसमें एक ये भी मैंने जो रियलाइज किया है कि पहले फेज में 76% वोटिंग 18 सीटों पर और सेकेंड फेज में 72 सीट पर वोटिंग 58.47, तो ये 18 और 72 में क्या लग रहा है कि 18 सीटों में किसको सबसे ज्यादा वो सीट मिल सकती है और ये 72 में से सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी सीट अपने झोली में ले जा सकती नहीं है? बिल्कुल देखिए इस वक्त तो वहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि हवा जो चल रही है वो इस वक्त तो जो कि ज़्यादा मजबूत कंडीशन में नज़र आ रहा है। देखिए इसके वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके इस वक्त केंद्र में होने के बावजूद कई सवालों के घेरे में है, इस वक्त कई चीज़ों पर जवाबदेही उनकी है। अगर हम देखेंगे लगातार राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल को भ्रष्टाचार को लेकर ये कहा कि भाई वो मुँह नहीं खोलते हैं भ्रष्टाचार के मामले, तो ये सारे जो मुद्दों को इकट्ठा किया गया है कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है वो मिलने मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब फिलहाल देखना ये होगा कि इसका जनता ने किस तरीके से लिया है, क्योंकि अभी हवा तो भाई जोगी के खिलाफ जोगी के साथ चली, अब वहां पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर हमले किए, तो अब जनता ने उसको किस तरीके से स्वीकार किया ये तो अब रिजल्ट आने के बाद। क्या तो क्या मान ले, अगर 2013 का पहले दशक का जिक्र करते हैं कि 3 बार कांग्रेस ने समर्थन किया इस जोगी का मुख्यमंत्री बनाने में, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, जोगी का साथ दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, तो क्या काशी भाभा मान ले जिस तरह की वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिल रही 2013 के कंपैरिजन में 2018 में, तो जोगी इस बार जोगी इस बार सत्ता का सुख भोग सकते हैं? 3 बार तो फेल हो गए, बहुत ही कम फासला था हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में, लेकिन क्या इस बार हम मान लें कि मायावती का साथ कमाल करेगा, जोगी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब आप बार बार हारते हैं तो हार के बाद जीत मिलनी तय हो जाती है, खास करके जब आप राजनीति में होते हैं तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लगातार हार के बाद आप मैदान में डटे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जोगी को इस चीज का फायदा पूरी तरह अब मिलने वाला है, क्योंकि जनता देखती है कि नहीं भाई ये लगातार हार रहा है और उसके बावजूद भी मैदान पर डटे हुए हैं, तो जनता मुझे लगता है इस बार जोगी के साथ जाने वाली है, जनता इस बार जोगी के साथ जाने वाली है। और काशिप, फिर से कांग्रेस ने ईवीएम का राग अलापा और कहा गया था जब शुरुआत में वोटिंग शुरू हुई सुबह 7 बजे से लेकर तो 7 के 5 के बीच में कई जगहों पर वोटिंग मशीन खराब होने की शिकायतें आई और उस पर काफी हल्ला बोल भी हुआ। कांग्रेस तो पहले ही चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज करवा चुकी थी कि ईवीएम में ईवीएम मशीनें खराब हो रही, बीजेपी इसका फायदा उठा रही, वही पुराना राग, तो क्या लग रहा है कि ईवीएम कुछ कमाल करेगी या फिर बस कांग्रेस को कुछ नहीं मिला तो ईवीएम लेकर बैठ गए? देखिए ये कि यहाँ पर बात कांग्रेस की नहीं, यहाँ पर बात ईवीएम की है। ईवीएम वाकई में जिस तरीके से देखिए राज्य अलग अलग होते हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं है, हर राज्य से वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो सकती है, टैम्पर्ड हो सकती है, वो कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसमें गड़बड़ी करा दे, लेकिन ये बात जरूर है कि एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है उसमें दिक्कत हो सकती है, हमारा मोबाइल फोन होता है, कोई भी चीज होती है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर गड़बड़ी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि आखिर जिम्मेदारी आखिर इस चीज की जो गड़बड़ी हो रही है उसको सही क्यों नहीं कराया जा रहा। लगातार जब शिकायतें आ रही थी कि अभी तो फिलहाल जहां जहां अभी तो कांग्रेस का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, वहां पर सरकार जोगी की है, केंद्र में मोदी सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है ईवीएम मशीन में, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है जब लगातार एक राज्य नहीं हर राज्य से खबरें आती हैं तो उस पर चुनाव आयोग कदम क्यों नहीं उठाता है। और काशिप, इसमें एक और सवाल ये भी बनता है कि
मायावती का साथ अगर इस बार कमाल कर गया जोगी के लिए, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जो अगले साल को लेकर आशाएं लगाए बैठे हुए हैं कि शायद अगले साल जो है उनका बेड़ा पार मायावती के सहारे हो जाएगा, तो ऐसे में क्या लगता है अगर मायावती के सहारे जोगी इस बार मुख्यमंत्री बन गए छत्तीसगढ़ मान लीजिए, तो इस बार मायावती के तो जो कहते ना तेवर और ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएंगे, तल्ख हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है इसका असर जो है गठबंधन पर देखने को मिला अखिलेश यादव, क्योंकि जो परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में चल रही, हालांकि छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं लेकिन इसका कनेक्शन यूपी से भी जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि मायावती की अहमियत अभी तो और है और तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? नहीं बिल्कुल गायत्री जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती है बहुजन समाज पार्टी, जोगी के साथ मिलकर अगर वहाँ मुख्यमंत्री बनाते हैं, अच्छी सीटें लेकर आते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर गठबंधन महागठबंधन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि महागठबंधन को एक ऐसे चेहरे की तलाश भी है कि जिसके साथ जो जहाँ जाए वो अपना अच्छा प्रदर्शन करे, और जिस तरीके से मायावती ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में नजर आया, तो कहीं ना कहीं, और फिर जो दलित जो लोग हैं अगर के साथ पूरी तरीके से नजर आते हैं, और ऐसे में अगर महागठबंधन चेहरे का अनाउंस कर देता है कि भाई प्रधानमंत्री हमारी मायावती होंगी, तो मुझे लगता है कि फिर मायावती एक बड़ा चेहरा जी वाकई। और छत्तीसगढ़ में फिलहाल आज चुनाव खत्म हो गए, दूसरे चरण के भी अब आगाज होगा मध्य प्रदेश का, फिर अंत होगा राजस्थान को लेकर, इसी के साथ इस साल का भी अंत हो जाएगा, और फिलहाल छत्तीसगढ़ को लेकर मेरे सहयोगी काशिप ने बता दिया है कि इस बार जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं रमन सिंह के लिए खतरे की घंटी है, साथ ही अजीत जोगी और मायावती के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक एक खबर हो सकती है कि इस बार शायद रमन नहीं, इस बार नो रमन सरकार ओनली जोगी सरकार, शायद ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ आकलन है, सिर्फ वोटिंग परसेंटेज के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं, हो सकता है कि चौथी बार फिर से बीजेपी सत्ता का सुख भोग ले, लेकिन जिस तरह से इस बार एंटी इनकमेंसी का जो मैंने सहयोगी काशिप ने बताया है और वाकई जो वोटिंग गिरी है उसका असर बीजेपी के खिलाफ भी हो सकता है और उसके साथ भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो तारे हैं वो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ हैं। फिलहाल देखते हैं 11 दिसंबर को मालूम होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में बनेगी किसकी सरकार, लेकिन कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज बयां कर रहे हैं अजीत जोगी की तरफ इशारा। शुक्रिया काशिप, नमस्कार।